जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। साथियों मैं आ चुका हूँ, मुझे सर्वप्रथम मैं भैया जी से मिलवाता हूँ जिन्होंने कॉल करके बुलाया। तो सर अपना परिचय दीजिएगा और कौन सा स्थान है ये। मेरा नाम शैलेश पटेल है जी, और ये एरिया का नाम सराय भोगी है, सुजानगंज थाना है हम लोग का जी। ये जौनपुर से लगभग कितना पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, 45 किलोमीटर पड़ेगा। तो साथियों लगभग 45 किलोमीटर दूर आए हुए हैं हम यहाँ पे। हमें सूचना मिली है कि जो घटना है वो बताइएगा सर, सबको समझाइए क्या समस्या है यहाँ पे। ये निकला था यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर पड़ेगा, नाला है वहाँ पे निकला था। तो आदमी लोग इकट्ठा हुए थे इसको मारने के लिए। अच्छा, तो हम लोग ने गए सुनाई दिया कि मार रहे हैं। तो हम लोग गए, बोले उनसे कि मारो मत, हम लोग पकड़ के लाते हैं। उसके बाद नंबर ढूंढे आपका गूगल पे, उस पे जीमेल पे नंबर ढूंढे जी। उसके बाद फिर भैया लगाए, कॉल किए, बुलाया आपको जी। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिखाइएगा, ये भैया लोग बहुत बड़े जीव प्रेमी हैं। जब इनको पता चला कि इसको मारा जा रहा है और किसी ने जला भी दिया है इसको, तो काफ़ी गहरा चोट लगा हुआ है। ये लोग थोड़ा बहुत पकड़ भी लेते हैं, बट इन्होंने फ़ोन किया जब मुरली वाले हौसला जी को, तो वो आए नहीं, बोले हम राजस्थान हैं। तो सर राजस्थान रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ का इमरजेंसी रेस्क्यू आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कम से कम जो रेस्क्यूअर्स हमारे जौनपुर में हैं, आस पास में हैं, उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जिससे कि रेस्क्यू कर लिया जाए। तो बेजुबान को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, किसी भी हालात में हों, लेकिन हमें बेजुबान को बचाना है। हर जगह पे बेजुबानों को बचाने वाले एक्सपर्ट पड़े हुए हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो चलते हैं, इसका थोड़ा इलाज करते हैं और इसको ले जाएंगे, इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद इसका इलाज चलेगा। जब रिकवर हो जाएगा तो इसको इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो साथियों वीडियो में बने रहिए, चलिए इसको पकड़िए, भैया निकलेगा जल्दी आएगा। कल इसे फूक दिए रहे ना लड़कियां, था वो एक जनो पकड़ लीजिए पीछे से, मैंने पकड़ लीजिए, काफी घाव बन गए ना, काफी गहरा चोट लगा हुआ चारों तरफ। ठीक हो जाए तो लग जाएगा, नहीं लग जाए वहाँ हमारे यहाँ इलाज चले, हमारे सेंटर पे इलाज चले, उस तरफ भी उस तरफ यहाँ से नॉर्मल एक इलाज कर देंगे सर से। ये बहुत बुरे कंडीशन में जल चुका है, इसको हमें चिकित्सा अधिकारी को भी दिखाना मिले कि नहीं भाई, ना सब कुछ मिले ना, कुछ चाहे सही बच गया है, हम खुद ही देख देते हैं। जर ज्यादा पूरा में एक कैसे नीलगा पकड़ लिया, मार डाले, मार डाले, इतना बड़ा रहा बहुत बहुत बुरे तरीके से जल चुका है ये, जल इंजेक्शन लगेगा लेकिन अब कल लगेगा सब कुछ। ये इन्हें फूकें रहा ना, चाहे कहीं कतो उनका को धनवन भर गया। अब आपके ध्यान ही ना आज है, ना तो ही लाके मान लड़कियन खरका होता है, ना हमसे जमते नहीं आ रहे ना, का हो गई हमसे दौड़े गए, हमसे क्या चला बचा ले जाए भाई, बंदे बचा ले, इलाज हो गया ठीक है, बुढ़ी का सारा
बहुत टाइम लागे के रिकवर में। कम से कम 10 दिन सारी व्यवस्था हो जाए। मीट खाएगा मैं हम लोग नहीं आ पाएंगे तो कोई और टीम भेजेंगे। बहुत सारी टीमें हैं, 6 टीम चल रही है यहाँ पे। जैसे ना वो निकला करें ना कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, मारन जो चाहिए सब चीज देखे के ना मिले सब चीज। बाकी ये तो दौर पानी सारे बढ़ाए वाले साफ कॉमन चीज है। इसमें मिले तो ना ये सब बात ना नंबर भाई तो कर जाए ले थे एक दो से ड्राइवर रहा। अच्छा फिर सब ना की अच्छा फिर से कम अबे धैल ले ऐसे हाथे से पाल नहीं छोड़ तो पकड़ नहीं कुपोषण खत्म हो गया कैसे जाता हम मनाई जब ज्यादा मनाई मैटर आता है तो ढेर मनाई बैठे मुड़ी उड़ी पकड़ लगे कुछ नहीं होगा ये आपको कुछ नहीं करेगा बहुत करेगा काट लेगा अगर कुछ तो कुछ होगा नहीं होकर असर कुछ ना हो अंदर पानी में रहा वाला भी बस पानी में रहा था सिर्फ जकड़ के मार रहा था बस। ए भाई एक चक्कर में हम 2 दिन मछली समझ खेलते ही रहे थे मेरे ने ना बहुत तेज बलका जाने 8 बजे रतिया कर रहा टार्च मार के देख रंज के हमारा जी ए उनके कटाई में नवारा फोटो ले यार उनका साथियों जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं ये बेजबानों को मारते भी हैं और कुछ इतने प्यारे लोग हैं जो बचाने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको ये देख के बहुत ही तरस आ रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देख सकते हैं जला दिए हैं बहुत गहरा चोट लगा हुआ है। हम लोग यही मुहिम चलाए हैं कि कम से कम बेजबानों को बचाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये हमारे और आपके पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और पर्यावरण अगर नहीं बचा रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है क्योंकि प्रकृति ने किसी भी चीज़ को अनुपयोगी नहीं बनाया है। पेड़ पौधे हों या नदियां हों या ये बेजबान हों हर कोई हमारे और आपके लिए आप उपयोगी हैं और ये दवाएं जो बनती हैं इन्हीं के माध्यम से बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारी समस्याएँ आएँगी तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको बचाने का कार्य करिए। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम जो रेस्क्यूअर्स हैं हम रेस्क्यू कर रहे हैं उनसे बढ़कर के ये भाई लोग हैं जो जिन्होंने इसको बचाने का कार्य किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे और इतनी मेहनत इनका देख के इनकी लगन देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बेजवानों को आप बचाते रहिए। आप लोग कॉल करिए हमारी टीम हमेशा तत्परता से खड़ी है और बाकी टीमें भी कार्य कर रही हैं दिन रात बेजवानों को बचाने का। तो चलते हैं इसको पैक करेंगे भैया कुछ मंगा दीजिए उसी में पैक करके ले चलेंगे कम से कम और इसको ठीक करने में लगभग 10 दिन जाएगा। जूट वाला बोरा मांग सकते हो बोरा बोरा खुशी मिले भाई बताएंगे हमारे सब कभी है यह समस्या हमारे सबसे सबसे बड़ी हो। अभी 10 दिन का छिल लिया और किने बोरा बोरा लेता है बोरा आलू वाला बोरा इधर चलो इधर से भी जरा जैसा कि साथियों देख सकते हैं इस समय ये यश आकार बनाया हुआ है और जीव निकाला जिस समय कभी भी अजगर अगर यश आकार बनाया हुआ है ये समझ लीजिए कि वो बाइट करने के लिए तत्परता एकदम बाइट करने के लिए तैयारी में है। वो बाइट करेगा इस समय ये बाइट करने के मूड में है और सिर्फ ऐसे में अगर कभी भी शिकार भी ये करता है तो भी इसी प्रकार से यश प्रकार का ही
बनाता है अपने चेहरे को और उस पर एक जंप लगा करके उसको पकड़ने का कार्य करता है। और ये लगभग चार गुना अपने शरीर के वजन से चार गुना चीज़ों को अपना आहार बना लेता है। तो अभी ला चुके हैं तो इसमें पैक करवा देते हैं बढ़िया सा। एक रस्सी लिया, एक रस्सी लिया।